सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग एंड स्वागत है आपका कार फोर सेल सिमुलेटर के एक और एपिसोड में। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों के शोरूम के अंदर दो चार नॉर्मल सा कार था जिसको हम लोग सेल कर दिए थे, और गाइस हम लोगों का शोरूम काफी ज्यादा खाली हो गया था। बट आज के इस वाले वीडियो में गाइस, हम लोग अपने शोरूम के लिए काफी लग्जरी सब कार खरीदने वाले हैं, जैसे कि अपना बुगाटी, मस्टैंग, लैम्बोर्गिनी, फरारी और भी काफी ज्यादा लग्जरी कार खरीदने वाले हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलते हम लोग अपने गेम के अंदर। ऑल राइट गाइस, वेलकम टू कार फोर सेल सिमुलेटर एंड एजेंट मोटर में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग फिलहाल के लिए देख सकते हो कि अपना जो शोरूम है यार, फाइनली फुल्ली तरीका से वो खाली हो चुका है। ये देखो आप लोग, यहाँ पर ना एक भी लग्जरी कार तो छोड़ो यार, एक भी नॉर्मल कार भी नजर नहीं आ रहा। एंड यार, ये वाला जो अपना सुपरा है, उनको हम लोगों ने अपने पर्सनल यूज के लिए रखा है। तो इनसे ना हम लोग जाएंगे अभी कार मार्केट प्लेस, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो कि फिलहाल के लिए अपना कार मार्केट प्लेस वो ओपन हो चुका। और गाइस देखो यार, यहाँ पर ना ये बंदा फाइनली, यहाँ पर ना इनको जैकेट वैकेट पहन चुका है ये बंदा। यानी कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में ना ये बंदा लिटरली गंजी पहना हुआ था, मतलब एक छोटा सा गंजी एंड एक छोटा सा ना पैंट पहना हुआ था, जिस कारण से इस बंदे को ना भाई साहब काफी ज्यादा ठंडी लग रही थी। बट आज देखो आप लोग, यहाँ पर ना ये बंदा लिटरली प्रॉपर ड्रेस के साथ आया है यहाँ पर, और ना इस वाले बंदे को ना लिटरली अभी एक भी जरा ठंडा नहीं लग रहा। बट यार, एक काम करते, फिलहाल के लिए अपना तो ऑफिस यार काफी ज्यादा खाली है ना, तो उनको हम लोगों को भरना पड़ेगा। तो गाइस, एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए अभी जो अपना कार मार्केट प्लेस है वो तो ओपन हो चुका है, फिलहाल के लिए हम लोग चलते अभी कार मार्केट प्लेस एंड देखते हैं कि वहां पर ना कौन कौन सा लग्जरी कार आया हुआ। यानी कि यार देखो, फिलहाल के लिए अपने पास 46 लाख डॉलर है, जो कि यार काफी ज्यादा है। और भाई साहब वेट, ये देखो गाइस, यहाँ पर ना फिलहाल के लिए यहाँ पे दो पोर्स 930 है, और इनमें से ना एक काफी ज्यादा ना यहाँ पर हम लोगों को डैमेज नजर आ रहा है। ये तो यार काफी ज्यादा डैमेज है, बट ये जो कार है वो लिटरली काफी ज्यादा ठीक ठाक तो लग रहा है। बट यार, और भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ना और भी कौन कौन सा कार आया हुआ है। आई थिंक यार ये तो शायद से कोई BMW है क्या। हेलो आंटी जी, गुड मॉर्निंग, तो आपके पास सुपरा है, ठीक है। तो गाइस देखो, फिलहाल के लिए अपने पास तो दो कार तो यहाँ पर है, यानी कि एक कार यहाँ पर फोर्स 930, दूसरा कार यहाँ एंड एक कार यहाँ पर है सुपरा, ठीक है। बाकी ये वाला जो कार है ना वो इतना ज्यादा खास तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ये देखो। एंड इसका प्राइस एक बार आप लोग चेक करना, इसका जो प्राइस होने वाला वो तो $10,000 होने वाला है, जो कि यार काफी ज्यादा ना ये कार वर्थ नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इन दोनों को हम लोग रहने देते हैं ऐसे ही। एंड लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने तो देखा ही था कि ये वाला जो ट्रक था ना वो यार लिटरली तभी से यहाँ पर रखा हुआ है। एंड इसका प्राइस एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, $13,000 ठीक ठाक है। बट यार देखो, अगर हम लोग यहाँ पर ट्रक खरीद लेते हैं ना, ये छोटा सा मिनी वैन तो आप लोग कह सकते हो, अगर ये हम लोग खरीद लेते हैं ना तो हम लोगों के ऑफिस में इतना जगह नहीं बचेगा गाइस। फिलहाल के लिए ये तो BMW का कोई कार लग रहा है। हेलो अंकल जी, गुड मॉर्निंग, तो $91,000 में आप ये सेल करना चाहते हो ना, तो यार एक काम करो, तो आप तो ये रहन दो। फिलहाल के लिए गाइस एक काम करते हैं, हम लोग ना पहले इस वाले सुपरा को बाय कर लेते हैं, एंड इसका प्राइस चेक करते हैं कितना, $62,000 भाई साहब। एंड डैमेज जो है वो 34% है, ठीक है। तो बट इनका जो प्राइस हम लोग लास्ट करने वाले $50,000, एंड देखते हैं कि क्या होता है $50,000 में, ये आंटी हम लोगों को सेल कर देगी क्या। ओके, तो गाइस फिलहाल के लिए ये जो सुपरा है वो फाइनली हम लोगों का होता है, तो लगे हाथ इनको भी हम लोग रिपेयर गैराज पे भेज देते। बाकी हाँ, फिलहाल के लिए ये वाला जो कार है ना सुपरा, इनका प्राइस एक बार चेक कर लेते, सॉरी पोर्स 930 है ना, $1,28,000 है ना, तो इनको हम लोग ऑफर करते $1,00,000, क्या पता $1,00,000 में हम लोग को ये दे दे। एंड चेक करते क्या होता है, यार ये तो बहुत ही कम प्राइस ये बोल रहा है, तो भाई एक काम कर, $110,000 तो ले सकता है, ठीक है। तो $110,000 में तुम्हें को ये कार तो आराम से दे सकता है, तो ओके, तो फिलहाल के लिए ये भी कार अपना हो चुका है। बाकी गाइस, ये वाला कार हम लोग ले ले क्या यार, देखो ये वाला कार हम लोग इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसका जो डैमेज है ना वो तो शायद चेक करते 34% डैमेज है, बट इनपे ना हम लोगों को खर्च जो है वो काफी ज्यादा आने वाला है। देख रहे हो आप लोग, मतलब इसका जो फ्रंट का जो ये पता नहीं रियर है ना वो काफी ज्यादा डैमेज है, तो एक काम करते हैं इनको हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। एंड गाइस, अगर हम लोगों को एकदम मस्त प्राइस, तो यार देखो यार भाई साहब, लिटरली गाइस इसका जो प्राइस है $1,63,000 है, एंड अगर हम लोगों को इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा ना तो अप्रोक्स 2 लाख से ज्यादा पड़ जाएगा। ओके, तो फिलहाल के लिए ये कार भी अपना हो चुका है, और अपना जो सुपरा है, एंड उनको लेकर के चलते हम लोग अपने शोरूम के अंदर पर। और ये जो वेट, हम लोग तो यार सुपरा से आए नहीं थे भाई, गाइस हम लोगों को लिटरली एक जरा भी पता नहीं कि हम लोग सुपरा से आए थे कि नहीं आए थे, बट कोई नहीं। एंड अपना जो सुपरा है वो फिलहाल के लिए यहाँ पर है, एंड एक कार हम लोगों ने बाय किया था BMW ना, तो उनको भी रिपेयर पे लगा देते। बट एक काम करते, पहले अपने ऑफिस तो हम लोग खोल नहीं सकते क्योंकि यार ऑलरेडी अपना जो ऑफिस है
उन पे एक भी कार्ड नहीं है, तो यार रहन दो फिलहाल के लिए। इस वाले कार्ड को ना गाइस लिटरली हम लोगों को सबसे पहले रिपेयर करवाना पड़ेगा एंड थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग का काम जो वो भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके बाद ना इनको हम लोग सेल करने वाले हैं। बाकी अपना जो BMW का कॉपी है वो तो यार अपना यहाँ पर आ चुका। भाई तू क्या कर रहा है? अरे यार लिटरली गाइस ये देखो आप लोग $771 ठीक ठाक है। वेट यार ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है यार? गाइस देख रहे हो आप लोग, मतलब हम लोग यहाँ पर जैसे लेकर के आ रहे हैं वो बंदा वहाँ पे कार ऑलरेडी लगा चुका। बट कोई नहीं, हाँ इनको भी हम लोग रिपेयर पे दे देते। भाई हेलो, तो एक काम कर, इनका प्राइस कितना लगने वाला? और वेट ये भी है यार हम लोग के पास, तो इनको भी फोड़ सकते हैं हम लोग। और $4,255 भाई साहब। लिटरली गाइस अपडेट आने के बाद ना बहुत ज्यादा प्राइस सब चीज का बढ़ गया, यानी कि ऐसा समझो आप लोग कि हम लोग जब पेंट करवाने जाते थे ना अपने कार पर तो यार मैक्सिमम $300 से $400 लग जाया करता था। बट जब से हम लोगों के गेम में अपडेट आया है ना तब से यार पता नहीं क्यों इतना ज्यादा प्राइस बढ़ चुका, साढ़े पे करवाते हैं। और जब आप लोग रिपेयर करवाने जाओगे ना भाई साहब वो तो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। बट कोई नहीं यार, इनको भी हम लोग लेके चलते हैं अपने शोरूम के। ओ भाई साहब वेट यार, इनको तो हम लोग रहन देते हैं फिलहाल के लिए, देखते हैं ये कितना परसेंट हो चुका। 94% ओके, एंड ये तो यार अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। बट कोई नहीं, ये इसका जो काम है वो तो फिलहाल के लिए हो चुका है, क्यों ना इनको भी हम लोग टो करवा दे क्या? यार टो ही करवा देते हैं क्योंकि यार हम लोगों को ये वाला भी कार्ड तो हम लोगों को रिपेयर करवाना है ना गाइस। तो फिलहाल के लिए देखते हैं ये कितना चार्ज करने वाला। $2,300 ठीक ठाक है यार। और अपना जो ये वाला पोर्ट है गाइस ये देखो आप लोग, भाई साहब लिटरली ये भी काफी ज्यादा मस्त हो चुका। बट हाँ अभी इसमें ना थोड़ा बहुत पेंटिंग करवाना हम लोगों को बाकी है क्योंकि थोड़ा बहुत ना गंदा भी हो चुका है जैसा कि आप लोग फिलहाल के लिए देख ही सकते। बट अभी जो फिलहाल के लिए इसका पेंटिंग है ना वो यार थोड़ा बहुत ना पॉलिश टाइप का, तो उनको हम लोग थोड़ा बहुत कम करने वाले हैं। इतना भी तो नहीं, बस इतना चलेगा। और बाकी कार का जो रिपेयर है ना तो फिलहाल के लिए ये तो रेड कलर का हो चुका, बट काफी ज्यादा गंदा लग रहा है क्या? पता नहीं किस टाइप का कलर इनको करवाया गया, मतलब ये देख रहे हो आप लोग, मतलब काफी ज्यादा पॉलिश टाइप का कलर है। बाकी कोई बात नहीं, इनको भी ना हम लोग यार प्रॉफिटेबल प्राइस में तो सेल कर ही देंगे। बाकी देखते हैं वो वाला जो ओ भाई साहब, गाइस इसका फ्रंट से देखना आप लोग, भाई लिटरली काफी ज्यादा मस्त लग रहा है ये वाला कार। बाकी इनको थोड़ा बहुत हम लोग ना फ्यूल अप करवा देते हैं, थोड़ा बहुत ना साफ सफाई का काम। अबे यार इसको तो डैमेज पहुंच गया है गाइस, आगे एक बार आप लोग चेक करना कि इसका जो डैमेज है ना भाई साहब वो लिटरली काफी ज्यादा है यार। पहले रिपेयर करवाना पड़ेगा, बाकी इस वाले कार्ड को हम लोग टू करवा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी इस वाले कार्ड को हम लोगों ने रिपेयर भी करवा दिया था एंड पेंटिंग भी करवा दिया था, उस वाले बंदे की गलती थी। कोई बात नहीं, $300 का ही तो हम लोगों को चार्ज करना पड़ रहा है। बाकी कोई बात नहीं, एक काम करते हैं हम लोग ना ऑफिस को अपने ओपन कर लेते हैं क्योंकि देखो फिलहाल के लिए कार मार्ट अपना ना गाइस एक स्किल्स पॉइंट ओपन हो चुका है। तो वो जो स्किल्स पॉइंट है वो कौन सा है? ओके, तो एक और हम लोगों को कॉइन चाहिए, स्किल्स पॉइंट चाहिए जो कि ठीक है, तो ये हम लोग अनलॉक कर सकते हैं क्या है? सो द बेस्ट सेलिंग प्राइस अफोर्ड योर विल। ओके, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर अनलॉक कर लिया। बाकी ये क्या है? ये गिफ्ट है ना, 1 पॉइंट पता नहीं क्या है, मतलब ये शायद से डॉलर हम लोगों को मिलता है। बट जो भी हो रात का टाइम हो चुका है, तो एक काम करते गाइस फिलहाल के लिए हम लोगों के पास दो दो कार है ना, तो दोनों कार को अपने शोरूम के अंदर खड़ा कर देते हैं क्योंकि यार यहाँ पर अगर यहाँ पर रात भर ये कार ना बाहर रहा ना तो लिटरली भाई साहब बर्फ से ना ढक जाएगा। The next day. Good morning guys. आज है हमारा पता नहीं कौन सा डे है guys. Literally सुबह के 7 बज रहे हैं एंड स्नोफॉल ना भाई साहब लिटरली काफी ज्यादा हर जगह फैल चुका है, ये देखो आप लोग भाई साहब। बट कोई नहीं, एक काम करते अभी ना कार ऑक्शन तो अपना स्टार्ट होने वाला, बट देखते हैं कि कितना टाइम पे, 4 बजे स्टार्ट होने वाला, तो अभी काफी ज्यादा टाइम है। और भाई हेलो यार, तू इतना लेजी बंदा क्यों है यार? मतलब पता नहीं क्यों है इतना लेजी बंदा। बाकी यार रहन दो इसको, बाकी ये एक और है तो वो बंदा लेके जाएगा क्या? अबे तू तेरी भैंस की, ये बंदा हम लोगों से काम करवा रहा है गाइस, देख रहे हो आप लोग, पता नहीं क्यों। बाकी कोई नहीं यार, ये तो है ही अपना एम्प्लॉय है। बाकी अपने ऑफिस को हम लोग ओपन कर लेते हैं। बाकी एक कार हम लोगों ने ऑटो रिपेयर पे रोका था, तो उनको भी हम लोग ना लगे हाथों ऑफिस में डाल देते हैं। बाकी आज तो कार ऑक्शन अपना स्टार्ट होने वाला है। और भाई हेलो जी, गुड मॉर्निंग, तू तेरा काम तो हो चुका है, बट कोई नहीं, इनको हम लोग फटाफट से टो करवा देते हैं एंड चलते हैं अपने ऑफिस के अंदर। बाकी हाँ, अपने पास तो फिलहाल के लिए 3-3 कार तो आ चुका है ना, तो धीरे धीरे करके हम लोग अपने शोरूम में काफी ज्यादा कार का कलेक्शन ना बढ़ाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अपने ऑफिस में ना गाइस जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कस्टमर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि अपने जो ऑफिस है वो फिलहाल के लिए खाली है, तो खाली ऑफिस में तो यार कोई भी कस्टमर आएगा नहीं। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए अपना जो पोर्स 930 है इनको हम लोग इधर रख देते हैं, ठीक है, इधर काफी ज्यादा मस्त लगेगा। बाकी इसका इंजन ऑफ करो, बाकी ठीक ठाक है सब। और यार हम लोग ना काफी टाइम से नेबरहुड नहीं गए, तो एक काम करते हैं फिलहाल के लिए 4 बजे अपना ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो कार ऑक्शन स्टार्ट होने में काफी ज्यादा टाइमिंग है। तो गाइस आई होप कि यार कार ऑक्शन में ना मतलब काफी मस्त मस्त सब कार हम लोगों को मिल जाए। बाकी यहाँ पर एक आंटी के पास ट्रक है,
तो हेलो आंटी जी, गुड मॉर्निंग। तो आपको ठंडी नहीं लग रही है गाइस? ये देखो भाई साहब, लिटरली गाइस ये आंटी यहाँ पर बैठ के, एंड इस वाले आंटी का कपड़ा एक बार आप लोग चेक करो, मतलब ठंड वंड आप लोगों को नहीं लग रहा है क्या भाई? ऊपर से बर्फ गिर रहा है और ये आंटी ना खुले में बैठी हुई है। बट कोई नहीं यार, इस वाले आंटी का क्या दिक्कत है वही जाने। बाकी यहाँ पर तो एक भी लग्जरी कार तो छोड़ो यार, मतलब एक सुपर कार भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बाकी ये BMW का कॉपी है तो इतना खास तो लग नहीं रहा है हम लोगों को। और प्राइस तो देखो आप लोग भाई, लिटरली $81,000। इतना में तो हम लोग नहीं ले सकते यार, कि अगर इतना में हम लोग ले लेंगे ना तो हम लोगों का जो प्रॉफिट है यार वो तो होगा ही नहीं हम लोगों को। एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने ऑफिस के अंदर। और फिलहाल हम लोग आ चुके अपने ऑफिस। और भाई साहब ओके, तो गाइस फाइनली ऑक्शन अपना स्टार्ट होने वाला है 4 बजे, एंड फटाफट से टिकट बाई कर लेते हैं हम लोग एंड चलते हैं अपने ऑक्शन में। एंड यहाँ से हम लोग ना वेट करते हैं कि हमारा जो पहला कार है ना वो कौन सा आने वाला है। और गाइस ये देखो आप लोग, पहला कार जो अपना टेस्ला आने वाला है, जो कि यार इसका स्टार्टिंग प्राइस ना $2,600 से स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो फिलहाल एक काम करते हैं, टेस्ला ना हम लोग काफी टाइम से बाय नहीं किया है, तो यार फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, टेस्ला पे ना हम लोग बैट लगाते हैं एंड देखते हैं कि इसका ना मैक्सिमम प्राइस कितना जाने वाला है। ओके, तो फाइनली इसका जो 41,000 जा चुका है। ओके, तो गाइस एक काम करते ना हम लोग ना और भी ताजा ज्यादा लगाते, क्योंकि ये वाला टेस्ला हम लोगों को एनी हाउ चाहिए, एंड वो फिलहाल के लिए हम लोगों को मिल चुका है। एंड जो अपना दूसरा कार है ये पता नहीं कोडा कोडिया रही है कि ये तो इतना खास नहीं है, ठीक है, तो इस पे ना हम लोगों को बैट तो लगाना नहीं चाहिए। बट देखते हैं कि इसका जो प्राइस है वो मैक्सिमम कितना जाने वाला है, तो इनको हम लोग ना देखते हैं कि इसका जो मैक्सिमम प्राइस है वो कितना जाने वाला है। ओके, और ये जो थर्ड कार है ये तो देखो यार, वो तो होंडा का CX है भाई, और ये कार पे ना गाइस लिटरली कोई भी बंदा बैट लगाना नहीं चाहेगा, ये देखो आप लोग। और इसका स्टार्टिंग प्राइस ही $6,000 से स्टार्ट हुआ है, तो देखते हैं कि ये वाला कार पे ना कौन सा बंदा बैट लगाता है। 9,000 तो ऑलरेडी जा चुका है, तो देखते हैं ये कौन सा कार है, Porsche 930। ओके, तो Porsche 930 में बैट लगाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि यार ऑलरेडी अपने पास 2 Porsche 930 तो है ही। और देखते हैं कि इसको ना अगर हम लोग $1.5 लाख से अगर हम लोग को मिल जाए ना, मतलब $1.5 लाख तक, तो यार ठीक ठाक रहेगा। बाकी अगर $1.5 लाख से आगे जाता है ना तो उतना खास ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। $1,60,000। ओके, एंड रुको, ओके, तो हम लोग 168,170 आ चुका है यार। रुको यार, पता नहीं ये बंदे लोगों को क्या दिक्कत है यार, $1,85,000 तक जा चुका है इसका मैक्सिमम प्राइस। और भाई साहब वेट, अरे यार फिलहाल के लिए $1,95,000 में हम लोगों का ये वाला कार मिल चुका है। बाकी टेस्ला एक बार आप लोग चेक करो, एंड गाइस टेस्ला ना लिटरली बता रहा हूँ, इस वाले गेम में ना मेरा फेवरेट कार है टेस्ला। बाकी इस वाले Porsche 930 को हम लोग भेज देते हैं, अपने टो करवा देते हैं। The next day. हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज है हमारा डे पता नहीं कौन सा यार, हम लोग ना डे को ही भूल जाते हैं, ठीक है, तो आज है हमारा 95 डे, एंड कार ऑक्शन जो है वो फिलहाल के लिए 4 बजे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और अपना जो बंदा है वो तो आ चुका है, एंड थोड़ा बहुत अपना काम वाम भी करना स्टार्ट कर दिया। बट गाइस इस वाले बंदे का ना ये देखो आप लोग, मतलब लिटरली इधर से चढ़ के जाता है, ये देखो यहाँ से फ्लावर पॉट से चढ़ के ये बंदा जाता है, पता नहीं क्यों, इनको ना शायद से क्या दिक्कत है। और एक काम करते हैं गाइस, हम लोग मिलना आप लोगों से मिलते हैं ऑक्शन पे, ठीक है। ओके, तो गाइस फिलहाल के लिए हम लोग आ चुके अपने ऑक्शन के अंदर, तो एक काम करते हैं फटाफट से हम लोग टिकट को बाय कर लिए, एंड यहाँ पर एक भी सीट खाली नहीं है भाई। ओ हेलो, ओके, तो यहाँ पर एक सीट हम लोगों को खाली मिल चुका है। बाकी गाइस आई होप कि यार अभी ना हम लोगों को काफी मस्त मस्त सब कार मिले। बट यार ये देखो आप लोग, डॉज ही 4 मिला है हम लोगों को, जो कि यार इतना खास कार तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस, मतलब नॉर्मल कार तो है बट यार सुपर कार के कैटेगरी में ये कार ना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इनका जो ऑक्शन है ये देखो आप लोग भाई साहब, लिटरली 19,000 जा चुका है, एंड देखते हैं कि इसका जो मैक्सिमम प्राइस है वो कितना आने वाला। तो यार एक बंदा तो ले चुका है, एंड दूसरा कार ये कौन सा है, बक रेगर पता नहीं कौन सा है, बट इसका प्राइस तो आप लोग एक बार चेक करो यार, $47,000 है लिटरली, इतना महंगा कौन लेता है यार ये इतना महंगा महंगा कार। बट एक काम करते हैं हम लोग ना $55,000, देखते हैं कि इसको हम लोग ले पाते कि नहीं ले पाते। ओके, तो ये कार तो फिलहाल के लिए हम लोगों का हो चुका है, एंड तीसरा जो कार है वो पता नहीं कोई पिकअप का ट्रक है, पता नहीं कौन सा कार है, एंड इनका आप लोग प्राइस तो एक बार चेक करो, $11,000 से स्टार्ट हो चुका है। बाकी इनको ना लेने का कोई फायदा नहीं है, काफी सारे कार का कलेक्शन अपने पास आ चुका है। और हाँ अभी ना हम लोग एक काम करेंगे, सेकंड फ्लोर में ना आप सारे कार को हम लोग वहाँ पे पार्क कर देंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा, एंड गाइस वीडियो पसंद आया ना तो यार वीडियो को लाइक जरूर से करना, बाकी चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, एंड मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन एंड गुड बाय। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I'm